दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दो तीन दिन पहले आपने यहीं से मेरी एक लाइव रिपोर्ट देखी होगी, हमने आपको बताया था इस घर में गंगाराम और उनके परिवार के लोग रहते हैं और उन्होंने हमें बताया कि इनके बगल ये दुकान है जिसे मीट किराए पर दी गई है और इनको ऑब्जेक्शन हुआ, इनकी आपस में बातचीत चल रही होगी और इतने में इनके बेटे को और इनके नौकर को गाड़ी से कुचलवाने का प्रयास किया गया दूसरी साइड में, जिस पर इन्होंने पुलिस में शिकायत दी, मुकदमा दर्ज कराया। अब चतर सिंह जी हैं जिन्होंने ये दुकान किराए पर दी है। अब ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं क्योंकि गंगाराम ने उस दिन आरोप लगाए थे, अतर सिंह ने थाने में धमकी दी है। अब ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं क्योंकि इनका भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है। अभी इनका पक्ष लेते हैं और फिर इनसे भी बातचीत कर लेंगे जिनको मीट शॉप से ऑब्जेक्शन है। काफ़ी बोर्ड वगैरह इन्होंने लगा दिया, देखिए चिकन मटन होलसेल रेट पर, और इधर हरियाणा चिकन एंड मटन शॉप का बोर्ड भी लग गया है। तो बाकी बातचीत करते हैं आखिर क्या मामला हुआ, और पड़ोसियों को ऑब्जेक्शन है तो मीट काटने वालों को किराए पर दुकान क्यों दी, और मीट काटने का लाइसेंस इनके पास है कि नहीं, वो भी इनसे कागजात वगैरह मांगेंगे। आइए सर, चतर सिंह जी सर, क्या हुआ भैया, पड़ोसी परेशान है। नमस्कार। नमस्कार सर, ये मेरी पड़ोसी परेशान है, कह रहे हैं आपने मुर्गा काटने वाले को सर, मेरी बात सुनिए। मेरी दो साल से दुकान इन्होंने बंद करवा रखी है, ठीक है सर। इसमें पहले कारपेंटर था, उसको भगा दिया मेरा, उसके बावजूद हलवाई को दिया, उसको भगा दिया इन्होंने, उसके बावजूद परचून वाले को दिया, उसको भगा दिया, उसके बावजूद दोने पत्तल गिलास वाले को दिया, उसको भगा दिया, अब मैंने ये चिकन वाले को दिया, उसको भगा दिया। कैसे भगा रहे सर, सुनिए मेरी बात। ये इस आदमी के ऊपर, पहले तो आप ये बताइए आपने किसको दुकान किराए पर दी है, क्या नाम है उसका? उसका वसीम नाम है। वसीम नाम है, हाँ जी। चिकन मटन काटने के लिए दुकान किराए पर दी है, हाँ जी। उसका उसने कोई लाइसेंस लिया नगर निगम से? सर ऑलरेडी यह खुद गंगाराम खुद चिकन मटन की दुकान है, उसकी रेडी सामने रही, आपको साक्ष्य पेश कर रहा हूँ, वो खुद चिकन बेचता है। सर ये इसके लड़के की है, राहुल चिकन, ये देख लीजिए सर, ये सर चिकन मटन ये खुद सब बनाते हो, सामने रेडी खड़ी हुई है, सामने रेडी है भाई साहब। बाहर तो आप भी लगा सकते हो, लेकिन अगर किसी की दुकान में, अपनी दुकान में अगर आपको खोलना है तो उसके लिए जो नगर निगम का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेकर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके आप दुकान खोल सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप दुकान मत खोलिए, लेकिन दुकान में अगर आपके मीटर लगा है, कमर्शियल मीटर लगा है, तो आपको कमर्शियल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस तो दिखाना पड़ेगा। बात ठीक है, अब है कि नहीं है बताइए, क्या लाइसेंस उसने लिया है नगर निगम से? अभी उसने दुकान खोली नहीं है, उसने दुकान खोली अभी, बोर्ड लगाया, खोली नहीं है दुकान अभी उसने। सर यहाँ ऑलरेडी दुकान मेरी से तीसरी दुकान भी चिकन की खुल रही है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, सामने सारी मछली मार्केट और दुकानें उन पे किसी पे नहीं है। अगर प्रशासन सबको बंद कराता है तो मैं दुकान बंद करा दूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सर जो मैं चिकन से अलावा अपनी दुकान किराए पर दे, मेरे साथ क्यों बदतमीजी की जाती है इस आदमी के ऊपर? सर डेट 3/7/2017 को थाना सारण में 566 नंबर FIR, ये देख लीजिए, राजेश्वरी ने 354D का मुकदमा दर्ज कराया, झूठा पाया इन्होंने, इस आदमी से 1.5 लाख रुपए थे। चलो ये तो आपका पहले का मैटर है, अभी इस मैटर पे बातचीत करते हैं। भैया एक मिनट रुक जाओ, उस दिन जो आरोप लगे थे, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो मेरे पे झूठा एक्सीडेंट का लगाया, आप पे तो नहीं लगाया, आपने तो सिर्फ किराए पर दुकान दी है सर, नहीं, इन्होंने आरोप लगाया है उन पर जो धमकी दे रहे थे, भाई बदमाश है हमारे, देखिए बदमाशों के हम भाई हैं, उन्होंने जो पप्पू कुरैशी हो या भूरा कुरैशी हो ना, मैं जानता, मेरी कॉल डिटेल निकलवा, आप पे आरोप नहीं लगे हैं, आप मेरे सिर्फ किराए पर दुकान सर, मेरे पे एक्सीडेंट का केस तो लगाया है, एक्सीडेंट का तो लगा रहे हैं कि इन्होंने गाड़ी से कराया, ये इन्होंने शिकायत दी थी कि भैया आपने किराए पर दुकान दी, उस दिन थाने में आपने धमकी दी, बस ये आरोप लगाया सर। थाने में SHO साहब ने इनको बुलाया, पहले इनका पक्ष सुना, बड़े इज्जत से इनको बैठाया, मेरे को बैठाया, और उन्होंने पूछा भाई क्या बात है,
तो उन्होंने इनसे पूछा, ये वहाँ से भी जो है बाहर निकल के वहाँ से भाग के चले आए, एसएचओ साहब पे एलिगेशन लगा रहे, गलत है, वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज है इनको। किसी इस मुकदमे में इस वारदात में कुछ लेना देना है कि नहीं? सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। सर आप इसकी जाँच कर लीजिए, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ एक्सीडेंट का, मेरी ना गाड़ी है, किसकी गाड़ी है मुझे कुछ पता नहीं, ना मेरे पे उसमें है, मेरे बयान ले चुके हैं उसमें पुलिस ने, एसीपी साहब ने, वहाँ से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका पूरा पहले से झगड़ा चल रहा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं, ये कहना है मेरा कोई झगड़ा नहीं इसे। आपने अभी बताया कि किसी को दुकान देते हैं, रहने नहीं देते? हाँ जी हाँ, हाँ। सुने ये यही झगड़ा? हाँ, हम किसी को भी देते हैं। ये कहना है किसी को देते हो, ये उसको भगा देते हैं, झगड़ा है ये? झगड़ा सर, बस यही झगड़ा, ये झगड़ा सर, और कोई रंजिश नहीं? कोई और कोई वारदात इन्होंने नहीं की है? इनका ये कहना है इस मामले में इनका कुछ लेना देना नहीं। इन्होंने किराए पर दुकान दी है वसीम नाम के आदमी को, और वो यहाँ पर चिकन मटन की दुकान खोलना चाहता है, जिसका लाइसेंस उसने नहीं लिया है। और इनका कहना है आसपास और भी दुकानें हैं, उन्होंने भी लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। अब ये काम प्रशासन का है, देखो प्रशासन को चाहिए। चिकन की दुकान आप देख ली, फुटेज दिखा दो भाई, चिकन का खुद काम सर, खुद ये खुद चिकन का काम करते हैं। कौन सी वो वाली दुकान? राहुल चिकन गगन, अभी देख लिए सर, ये ले लो आप, ये गगन चिकन कॉर्नर, राहुल के नाम से। अच्छा राहुल कौन? राहुल इनका बेटा, बेटा देख लीजिए सर, इसमें देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं। और मेरी दुकान में मान लिया, इनकी दुकान है, मेरी दुकान के सामने से पूछ ले भाई, इनकी दुकान है तो आपकी दुकान है वो राहुल वाली? राहुल है, राहुल है। अब यहाँ क्या ऑब्जेक्शन है आप लोगों को? आप जो हमने इच्छा नो कही है क्या, मतलब पहले तो इन्हें बूझने दुकान दे दी, क्या यू दुकान किसकी है, क्या यू मुर्गा से इसका कोई मतलब कोई लाइसेंस? दुकान खोलते हैं कह रहे हैं उसको भी आप लोग भगा दे? देखो इन्होंने शुरुआत में खुलवाई ओया वाले को, वो 10 लड़की लाता था और भेजता था, है लगातार वो मैंने करवाई, उससे हमने एप्लीकेशन, भाई हमें अच्छा नहीं लगता हमारी दी बेटी रहती है। उसके बाद हलवाई उसकी लड़की उसकी बहू को लेकर भग गया, वो हलवाई इनमें आपस में था, उनने डर के मारे यहाँ दुकान खोली। उसके दुकान खोले तो आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं? कोई ऐसा नहीं है भाई, मुर्गाने की खोलने कपड़े की चीज की भी खोलना हमें कोई ऑर्डर नहीं है, पर मुर्गाने की दुकान नहीं खुलेगी, हमें बदबू आती है, इन्होंने कल भी बोल दे खुलवा लेंगे अपने घर के सामने मुर्गे वाले की दुकान, बदबू आएगी नहीं आएगी यही खुलवा के देखना, फिर पता लग जाएगा, फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। कल भी मुर्गा काटा, आज भी मुर्गा काटा, अपनी अपनी कहा जा रहा, अपनी अपनी मुर्गा काटना शुरू कर दिया, दुकान खुलाओ, अपनी फ्रीज होना चाहिए हर मुर्गे वाले की दुकान, मुर्गा दिखा दे, दुकान खुलवा के सुबह से काटा नहीं, कौन कह रहा है नहीं काटा? सुना लहसन उसका शीशा लगा हुआ हो या हथियारों का स्टील का हो, पर लहसन से हो तो हमें दिखाओ, हमें सजा दो, नहीं सजा देनी चाहिए, नहीं हसन मुर्गा वाले दुकान हट नहीं चाहिए, किसी चीज की खुलवा दो, हमें आस पास लाइसेंस नहीं है किसी में, नहीं जितने मुर्गा वालों की हमें उनसे कोई टेंशन दूर है, वो ये बगल में हम कैसे रह जाएंगे, सब पे होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। भाई ये ना दुकान क्यों बंद करी, खोल कर दिखाओ, ये दुकान खोल सकते हो क्या? नहीं है, नहीं ये कह रहे पहले ही काटना शुरू कर दिया आप लोगों ने सर, भाई कहाँ गए चतर सिंह? ऐसा कुछ नहीं, पहले ही खोलना काटना शुरू नहीं सर, सर देखिए सर, मैं एक मिनट बगैर लाइसेंस के आप किसी के बगल में नहीं, सुनिए ये कितने अपराधी है, देखिए सेक्शन देख लिए 379 इनके ऊपर है, झूठे इसके देखिए 379 में फुटेज दिखाता हूँ जिसको इन्होंने मारा, मान गया चोर है डकैत है, मैं मान गया, मेन है कि यहाँ पर लाइसेंस है कि नहीं, ये सर ये खोली नहीं है उसने, ये खुद ने पहले ही काटना, ये तो गुंडागर्दी है ना भाई साहब, आप किसी को दुकान किराए पर देते हो, वो इनको धमका रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, और आप उसका पक्ष ले रहे हो, आप उसका पक्ष ले रहे हो, कैमरा लगे हुए और वो गलत काम कर रहे हैं, पहले ही काटना शुरू कर, कैमरा लगे हुए, अगर वो धमका तो वीडियो है आपके पास, अगर मुर्गा काटने की जो अगर कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस वाले कैमरे है, उसमें आप रिकॉर्डिंग चेक करा दूंगा, जो सुबह से शाम तक की, अगर उसमें कोई गाली दे रहा, बदतमीजी कर रहा, कार्रवाई करिए उसमें, करवाइए उसमें यार, धमकी देना, किसी को कुचलवा देना, ये वारदात हुई है ना भाई साहब, किसकी वारदात हुई, चोट देखो ना सर, उसकी देखो ना जिससे हुआ सर, ड्राइवर पेश हो गया, ड्राइवर पेश हुआ, डाउटफुल है ना, आपका नाम नहीं आ रहा है, मैं देखो आपका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन
लेकिन आप ये सारे पेपर इकट्ठे करके खड़े हो और इसको गलत बता रहे हो। इस टाइम तो आप खुद ही साबित कर रहे हो कि आपकी रंजिश है और आप जो है इसके खिलाफ हो, जबकि आपको चाहिए था भाई जिसको किराए पर दुकान दिए हो उसे लाइसेंस मांग ले। मेरी बात सुनिए, नगर निगम में शिकायत करिए, नगर निगम सबकी दुकानें बंद करा देगा, कोई भी है, चाहे मेरी है या आपकी है, किसी की भी है। जो अनऑथराइज चल रही है, आपको इनसे बोलना था भैया आप शिकायत करो, आप बंद करो। हमने तो बोल दिया सर, हमारी तो कुछ है ही नहीं, बताओ हमारी कोई लड़ाई नहीं। बस कोई आपका वारदात में हाथ नहीं है ना? नहीं, हमारा कुछ नहीं सर, वारदात में हाथ नहीं है। नहीं, हमारा कुछ नहीं। ये सब दिखाना इसका मतलब है कि आप जो है पीछे। सर मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरे विरुद्ध एक भी केस दिखा दो, इनके विरुद्ध इतने केस हैं। सर खुलने नहीं देते ना, साइड वाली दुकान देखी यार, वो बंद के पास सुनिए, ये साइड वाली वो होटल भी खुलवाए थे क्या? सर एक दुकान में वो होटल खुलता है सर, आपको बताओ वो होटल खुला है, बताओ दिखाओ उसका प्रूफ दे दो सर। आप इसके आप सर सुनो सर, इसका जो है आप एक भी प्रूफ दे दो, अगर इसमें लिखेगा कैमरों से प्रूफ दिखा, ये साथ वाले है ठीक है सर। देखिए कह रहे हैं अगर मुर्गा काटता है तो फोटो खींच के भेजो। सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी से झगड़ा है साथ एक मिनट, आप मुझे भेजना मैं दिखाऊंगा। जो साथ वाला है उससे क्या दुश्मनी है? उसकी दुकान भी नहीं खुलने देते हो रे? पूछो सर, उस वो रहा साथ में, पंडित जी आओ बताओ। पाँच साल से दुकान बंद है सर, वो वाली भी। कौन सी दुकान है? वो साइड वाली है, खुलने नहीं देते सर। ये बताओ क्या दुकान चलाते हो? बिजली की दुकान है। बिजली सामान पड़ा स्टोर अपना रखा है। हाँ किसका सामान है? सामान पड़ा दुकान में रखा है। ये कैसे खोलते हैं? खोलते हैं तो खुलने दो ना, इनकी दुकान रोज खोलते सामान है, इनका ताला खुलवा करके इनका सामान। मेरे ऊपर इन्होंने झूठा केस लगा रखा है कि बगाली मुझे गाली दी है। अब मैंने किसी को गाली नहीं दी, अब तक कोई लड़ाई नहीं हुआ। शिकायत दी, मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा करा दिया है। हाँ मुकदमा कराया। क्या नंबर है? मुकदमा नंबर है 344 344 मुकदमा नंबर है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गाली नहीं दी, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर भी दवा मुकदमा कराया इन पे? जी सर, फिर भी प्रशासन मुकदमा कराया कि नहीं? हाँ जी करा हमने। एक बात सुना, हमारी बात सुना, इनने दुकान खोली, सुना इनने दुकान तोड़ के गेर दी। जब दुकान तोड़ के गेर दी, बारिश हुई मेरे बेसमेंट में पानी भर गया, इतना पानी भर गया। हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी उस पानी को निकाल। थोड़ी थी भैया, कुछ किया था इसमें? दुकान के छत चेंज कराई है। छत बदल भाई, थोड़ी नहीं इसको दिखाया है, इसको दिखाया सब पहली बात। सुनो तो दिखा के बुलाया था घर में, पानी हमारे पानी भर गया था घर में, इतना पानी भर गया था। जब हमने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वालों को भी दिखाया हमने, पुलिस वाले दिखाया उसके लेके गए हैं। हमारा घर डर जाता, आप बना के दे देते क्या हमें, क्या और क्या पड़ोसी मिला के देते तुम्हारे घर पूरा डर जाता। हमारा बेसमेंट में पानी भरा जा रहा है, बेसमेंट में हमारा मकान यहाँ पर 5 फुट का नाला है गहरा, उस नाले से पानी जाता है और साल पानी जाता है। जब भी बरसात जाता है, आपका विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुई तो मुकदमा दर्ज कराया। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ कुछ नहीं हुआ। मीटर टूटा पड़ा मेरा, पानी जाता है ऐसे में हर साल जाता है। ठीक हो गई दुकान? अब ठीक हो गई? कोई मना नहीं, अब कोई मना नहीं है, खोल सकते हैं ना। इसके दुकान खुलती है, रोज सामान भर रहा है उसमें, खुलवा के देखो अगर इसका सामान नहीं होगा। लगाने का क्या मतलब है? आप ये पूछिए ना इनसे, लड़ाई झगड़ा होता है, 751 लगती है, बंद होता है, तो हरिजन एक्ट लगाने का क्या इनका असर? यही काम है, ये हरिजन एक्ट लगाते हैं। जाएगा हरिजन एक्ट नहीं हटाना सर, 5 साल से मुकदमे हैं सर। मैंने ऐसा मिलते क्यों जाएगा कोर्ट से? जितना इन्होंने केस 2020 का मुकदमा है, आपको सारे प्रूफ दे दूंगा मैं। 2020 का मुकदमा है जो पंकज शर्मा 302 लगवाई झूठी, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ 182 के तहत इनको उल्टा मुकदमा दर्ज हुआ, उल्टा मुकदमा है इनके ऊपर, इसकी डीडी है। ये रे सर, ये रे 1.5 लाख रुपए इनके भूपेंद्र बड़ाना पाली से। अच्छा, मेरा तो कोई झगड़ा ना जिनसे, 1.5 लाख रुपया ना खा के बैठ गए और बच्चे इनकी कसम खा के पुलिस चौकी में जाकर जी, और मैं उल्टा फंसा और दिया, मेरे को इल्जाम लगवा दिया जी। बताओ मैंने क्या गुना करा, मैंने कौन सी कब्जा करा, मैंने कौन सा मुर्गा काटे यहाँ करके? ये जब हाथ जोड़े पैर पकड़े तो 1.5 लाख रुपए दे दिए जाकर के मैंने, इसके ऊपर कूड़ा करकट सब डाल रखा। ये चाहते हैं कोई कुछ कहे? भैया सुनो, एक इस मुकदमे में आपका नाम तो नहीं है? कौन से वाले मुकदमे में जो कल दर्ज हुआ परसों? नहीं मेरा नहीं है सर, नहीं मेरा नहीं। आपका कोई रोल नहीं? नहीं मेरा एक्सीडेंट में कोई मेरा कोई रोल इस मैटर में नहीं मेरा। ये आपस में लड़ेंगे ना, मेरी गाड़ी है, ये जो मुर्गे वाले से आपस में लड़ेंगे, लाइसेंस वगैरह जो मांगना है मांग सकते हैं। ठीक है सर, और ये लाइसेंस वगैरह ले लें दुकान अगर खोलना है। ठीक है मुझे, हाँ क्योंकि जो है 100 पैन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार यहाँ पर अगर जो है लाइसेंस ले तो ये जो है दुकान खोल सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं भाई लाइसेंस दिखाओ और उसके बाद जो काम करना है करो, और लाइसेंस के लिए स्पेस चाहिए होता है, डीप फ्रीजर चाहिए होता है, और भी तमाम चीजें चाहिए होती हैं। हाँ।
मुर्गा काट कर इनके सामने मुर्गा काटा है और काट कर इन्होंने ताला लगा के आप जो है फुटेज देख लेना अपने। हाँ देख लो, अगर जब मुर्गा काटा गया ना हम फोटो खींच लेंगे सामने से। ये रेहड़ी लगाएंगे हम, इनका भी देंगे प्रूफ, ठीक है सर? ये बेचेंगे, इनका भी हम देंगे। देखिए सर, मेरे हाथ लगा रही है बाप के सामने। अब आप देख लीजिए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, मैंने कैमरा लगवाया था इधर। ये कूड़ा डाल के गए हैं, देखो देखो, अभी दिखा देते हैं आप। देखो अभी ये कूड़ा डाल के, ये चाहते हैं हम इनसे विवाद करें। अभी यहाँ पे है, ये यही यही जगह है, ये देखो। चलो कूड़ा मत डाला करो अपने यहाँ। देखो कूड़ा डाल दिया, अभी रुको एक मिनट, देखो कूड़ा डाल दिया इन्होंने, ये डाल दिया ये। अब इनकी वो दिखा देता हूँ कल का, ये यहाँ से लेके आए हैं कूड़ा। अब देखना कहाँ पे डालेंगे ये चाहते हैं कि विवाद करें। कूड़ा मत घेरो, कोई बात नहीं, हो जाता है यहाँ पे सर। डालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहन जाओ। हो गया हो गया। तो यहाँ पर देखिए रार हो रही है, और रार हो रही है मुर्गा काटने वाली दुकान की वजह से। बाकी भाई हम तो देखो, ये दुकानदार हैं, दुकान किसी न किसी को किराए पर देंगे। अब ये कह रहे हैं कोई कपड़ा खुलवा लें, किराना खुलवा लें, और भी जो भी चाहे खुलवा लें, मुर्गा ना खुलवाएं। इनका कहना है कि मुर्गा और मटन की दुकान यहाँ पर ना खुलवाएं, पड़ोसी हैं, इनको ऑब्जेक्शन होती है। बाकी जो वारदात हुई है, वारदात में फरीदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उसकी छानबीन हो रही है, उसमें जिसका भी रोल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो जाएगी, टेंशन मत लो। जिसने भी वो वारदात को अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 17 नंबर चुंगी से लाइव है, और यहीं पर दो पड़ोसियों में ये डिस्प्यूट हो रहा है। गंगाराम है जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, और चतर सिंह है जिन्होंने ये किराए पर दुकान दी है मीट शॉप के लिए। बाकी देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा बताएंगे। लेकिन फरीदाबाद प्रशासन को चाहिए कि जो भी मीट शॉप है उनके लिए लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है उसको फॉलो अप करवाए, लाइसेंस दे। लाइसेंस देने के बाद भी कहीं दुकानें खुलवाए, नहीं तो ऐसा होगा जिसकी जहां मर्जी वहीं दुकानें खोलेगा, और उसकी वजह से इसी तरह के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।